स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मुस्लिम IAS के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी इससे पहले टॉप 10 मुस्लिम IAS के बारे में, लेकिन जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपने नहीं देखी होगी। तो आइए बात करते हैं पूरे डिटेल से इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द नंबर 10 इज़ डॉक्टर मन्नान अख्तर। डॉक्टर मन्नान अख्तर 2010 के मुस्लिम टॉपर हैं। डॉक्टर मन्नान अख्तर का ऑल इंडिया रैंक 55 है और ये असम स्टेट से बिलोंग करते हैं। द नंबर 9 इज़ सैयद आबिद रशीद। सैयद आबिद रशीद ने MBBS की डिग्री जम्मू एंड कश्मीर से कंप्लीट की। इन्होंने IPS क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद IAS बने। यह 2011 के मुस्लिम टॉपर हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 23 है और ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। द नंबर 8 इज सैयद सैरिस असगर। सैयद सैरिस असगर 2012 की मुस्लिम टॉपर हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 23 है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। सैयद सैरिस इज़ द सेकेंड वुमेन फ्रॉम कश्मीर हु टॉप्ड द UPSC एग्जाम। सैयद सैरिस ने भी अपनी MBBS की डिग्री जम्मू एंड कश्मीर से कंप्लीट की। सैयद सैरिस और सैयद आबिद रशीद दोनों की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। IAS क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने शादी कर ली और इन्हें जम्मू एंड कश्मीर में साथ काम करने का मौका मिला। द नंबर 7 इज फैज अहमद। फैज अहमद 2013 के टॉपर हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 17 है। 2013 में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट की संख्या 1122 थी जिनमें से 34 कैंडिडेट मुस्लिम थे। फैज अहमद एंड सना अख्तर हुवर पार्ट ऑफ द जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी फ्री कोचिंग प्रोग्राम, क्लियर द एग्ज़ाम विद वेरी हाई रैंक। फैज अहमद की ऑल इंडिया रैंक 17 और सना अख्तर की ऑल इंडिया रैंक 19 थी और 12 स्टूडेंट ऑफ द जामिया कोचिंग प्रोग्राम करेक्ट द UPSC एग्ज़ाम इन द ईयर 2013। फैज अहमद बिहार से बिलोंग करते हैं और सना अख्तर उत्तर प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती है। फैज अहमद ने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट की। द नंबर 6 इज फौजिया तरन्नुम। फौजिया तरन्नुम 2014 की UPSC मुस्लिम टॉपर हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 31 है और ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। नंबर 5 इज अथर आमिर। अथर आमिर 2015 के मुस्लिम UPSC टॉपर हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 2 है और ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जम्मू एंड कश्मीर से कंप्लीट की। 2015 UPSC में फर्स्ट रैंक पाने वाली टीना डाबी से 20 मार्च 2018 में इनकी शादी हो गई थी। अतर आमिर खान अपने स्कूल के दिनों से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। द नंबर 4 इज़ बिलाल भट्ट। इनका पूरा नाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट है। बिलाल भट्ट 2016 के UPSC के मुस्लिम टॉपर हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 10 है, ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते तो प्रयास करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाए। बिलाल भट्ट इज़ अ मैरिड हैज़ अ डाउटर। उन्होंने कई सरकारी परीक्षाओं को भी पास किया है जैसे KS यानी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन 2012। जब 2016 में UPSC एग्ज़ाम रिजल्ट रिलीज हुआ तब ये लखनऊ में एज ए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिस में काम कर रहे थे। बिलाल भट्ट का कहना है कि ये मेरा 4th अटैम्प्ट था जब मैंने 2016 में ये परीक्षा पास की। एंड द नंबर 3 साद मियाँ खान। साद मियाँ खान 2017 के मुस्लिम टॉपर हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 25 है। साद मियाँ खान ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। साद मियाँ खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेंड थे और अब UPSC की परीक्षा पास करने में मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 2013 में 30 मुस्लिम स्टूडेंट ने UPSC की परीक्षा को पास किया और 14 में 34 मुस्लिम स्टूडेंट ने UPSC की परीक्षा को पास किया और 15 में 38 मुस्लिम और 16 में 36 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को पास किया और 17 में 51 और 18 में 28 मुस्लिम कैंडिडेट ने इस परीक्षा को पास किया और 2019 में 45 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को पास किया। द नंबर 2 इज जुनैद अहमद। जुनैद अहमद इजे IAS जुनैद अहमद 2018 के UPSC के मुस्लिम टॉपर हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 3 है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जुनैद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं।
इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट की। साल 2014 फर्स्ट अटैम्प्ट में ये फेल हो गए, बट इन्होंने अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखा और ये 5 to 6 hours डेली स्टडी करते रहे। उसके बाद दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने 352 रैंक पाई और ये अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे। एंड ही गेव द 5th अटैम्प्ट इन द ईयर 2018 एंड फाइनली फुलफिल हिज ड्रीम। 2018 में इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर ऑल इंडिया रैंक 3 पाई। और द फर्स्ट वन इज सफना नजरुद्दीन। सफना नजरुद्दीन आईएएस 2019 की यूपीएससी की मुस्लिम टॉपर हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक 45 थी। इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। ये केरला से बिलोंग करती है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की। दोस्तों ये थे टॉप 10 मुस्लिम आईएएस। आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत से कीजिए और टॉप 10 में अपना नाम बनाइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।